आपके लिए बना रही हूँ चटपटे आलू के पकौड़े। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च क्रश की हुई मैंने बारीक, साबुत धनिया, सूखी मेथी, चिली फ्लेक्स, अनियन चाहिए स्लाइसिस में कटा हुआ, बारीक स्लाइसिस में सॉल्ट चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बेसन एंड टैटोज को मैंने कट करके फ्राइज की शेप में मैंने उसको कट किया, कट करके मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि आलू काले ना हो जाए इसलिए, क्योंकि आलू अगर को काले होने से बचाना है तो इसको आप अगर पानी में डिप करके रख दें तो आलू कभी भी क्रैक नहीं होंगे। चले आप हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने टू पोटैटोज को फ्राइज की शेप में कट करके रख लिया था, ना बहुत ज़्यादा पतले और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ये शेप पकौड़े में बहुत ज़बरदस्त लगती है। इसमें अब हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, नाज़िन हमने ये पोटैटोज में हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है और तकरीबन हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टीस्पून ग्रीन चिली क्रश करके डाली है, तकरीबन हाफ टी स्पून सूखी हुई मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया डालने का वही तरीका है, आप इसको हाथ में लें और इसको हल्का सा क्रश कर दें। ताकि इसका जो दाना है वो अच्छे से क्रश हो जाए। इसमें हम अनियन ऐड करेंगे, अनियन अभी हम सब ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसमें से थोड़े से बचा लेंगे, जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम मज़ीद ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन है, इसको मैंने धो लिया था, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, बेसन हम 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो प्याज होते हैं वो बाद में पानी छोड़ देते हैं तो बैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। फिर हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। ये देखिए लाजी हमारा ऑयल गर्म हो गया और अब हम इसमें अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। आप अपनी मर्जी से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कम ज़्यादा। नाज़रीन हमारे चटपटे पकौड़े तैयार हैं, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।